हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक ऐसे ड्रैगन हंटर की कहानी जो अपनी माँ की मौत का बदला लेता है। तो मूवी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक विलेज को देखते हैं जिसमें एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से वहाँ पर रह रहे सभी इंसानों की मौत हो जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि एक लियांचू नाम का लड़का बच जाता है, आसमान में ड्रैगन की आंखें देखता है। फिर सीन शिफ्ट होकर 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ एक महल में हमें जोई नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर हंटर बनना चाहती थी। वह अपने मॉम डैड के मरने के बाद अपने अंकल के साथ रहती है जो कि बहुत ही बूढ़े हो गए थे और अंधे भी थे क्योंकि उन्होंने बहुत साल पहले एक बहुत बड़े ड्रैगन को मारने के लिए गए थे, मगर उस ड्रैगन की तेज आग की वजह से वह अंधे हो गए और उनके सभी सिपाही या तो पागल हो गए या फिर जलकर राख हो गए। जोई परियों की कहानियों पर बहुत ज्यादा बिलीव करती थी और वह समझती थी कि सिल्वर योद्धा गौतम असलियत में है, इसलिए वह ड्रैगन हंटर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम उसी छोटे बच्चे लियांचू को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो गया था, जो कि एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। असलियत में लियांचू और उनके दोनों दोस्त हेक्टर और गिजडो अपने आप को झूठ मूठ का मॉन्स्टर हंटर बोलते हैं और गांव-गांव में जाकर गांव वालों की मदद करते हैं, मगर कोई भी बिलीव नहीं करता कि वह सच के एक मॉन्स्टर हंटर है। आगे हम जंगल में किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं, वह आवाज़ जोई की ही थी। उसके पीछे कुछ ड्रैगन पड़ गए थे। लियांचू वहाँ पर आकर किसी तरह उसे बचा लेता है। जोई को लगता है कि लियांचू एक असली मॉन्स्टर हंटर है। गिजडो उसकी मदद के बदले उससे पैसे मांगता है, मगर जोई उससे कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है और वह कहती है कि मेरे अंकल बहुत ज्यादा अमीर हैं। यह बात सुनकर वह सभी जोई के अंकल के पास निकल जाते हैं। रास्ते में गिजडो जोई को लियांचू के महान कारनामों की झूठी कहानी सुनाता है और वह महल में पहुंच जाते हैं। जोई अपने अंकल को बताती है कि यह तीनों ड्रैगन हंटर हैं। यह बात सुनकर जोई के अंकल उन्हें बताते हैं कि एक ड्रैगन है जो हर 20 साल बाद जिंदा हो जाता है और तब तक तबाही मचाता है जब तक उसका मन न भर जाए। अगर तुम उसे मार दो तो मेरी आंखें वापस आ जाएंगी और मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। गिजडो लालची था इसलिए वह हाँ बोल देता है और एडवांस में कुछ सोने के सिक्के ले लेता है। और जैसे ही वह महल के बाहर आते हैं तो गिजडो बोलता है कि चलो अब हम अमीर हो गए, अब हम अपने रास्ते निकलते हैं। मगर लियांचू ऐसा नहीं था। तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और बोलती है कि मेरे अंकल ने आपसे ड्रैगन हंटर बनने की ट्रेनिंग लेने को कहा है, मगर गिजडो उसके वापस महल में जाने के लिए कहता है, मगर जोई नहीं मानती। तभी वहाँ पर कुछ उड़ने वाले मॉन्स्टर आ जाते हैं और वह उनसे बचने के लिए भागने लगते हैं, मगर गिजडो को जोई से पीछा छुड़ाना था और वह उसे रात को छोड़कर जाने का प्लान बनाता है। मगर लियांचू सोने का एक्टिंग करता है जिसकी वजह से उसका प्लान फेल हो जाता है और सुबह उठकर वह अपनी सफर के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में उन्हें जोई के अंकल के एक सिपाही मिलते हैं जो कि पागल हो गए थे और वह उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं और एक गुफा में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन पर कांटेदार हमला होता है, मगर वह सभी वहाँ से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल लेते हैं और वह आगे पहुंचे नहीं होते तभी उन्हीं मॉन्स्टर का हमला उन पर हो जाता है। लियांचू को छोड़कर बाकी सभी इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, मगर लियांचू उनका डटकर सामना करता है और उन्हें डिफीट कर देता है। आगे गिजडो लियांचू को समझाता है कि इस बच्चे की चक्कर में हम सभी को मरवा दोगे, इसकी परियों की कहानियों की वजह से हम सब मारे जाएंगे क्योंकि तुम्हें भी पता है कोई भी उस ड्रैगन को खत्म नहीं कर सकता। मगर लियांचू कहता है कि अब मैं उस ड्रैगन को मारकर ही दम लूंगा। इसी बात से गिजडो गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है और आगे उसे वही दोनों मॉन्स्टर मिलते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं और वह वापस परेशान होकर उन्हीं के पास आ जाता है। तभी उन पर कुछ मॉन्स्टर का हमला होता है और लियांचू उसका सामना करता है। तभी वह लड़ते हुए एक दूसरी जगह आ जाते हैं जहां उनका सामना उसी खतरनाक ड्रैगन से होता है और वह सभी को अपने मुंह के अंदर खींचने लगता है और जोई, हेक्टर, गिजडो भी उसके मुंह में जाने वाले थे। और हम देखते हैं कि लियांचू छुपा हुआ है और उसे अपने बचपन की बात याद आती है। उसने बचपन में ही ठान लिया था कि जब वह बड़ा होगा तो उस ड्रैगन का सामना करेगा और उसकी दोनों आंखों को फोड़ देगा। और वह खड़ा होता है और उसके हाथ में जो निडल होती है वह दोनों निडल फेंक कर ड्रैगन की आंख में मारता है और वह ड्रैगन वहीं पर खत्म हो जाता है। और फिर अगले सीन में वह आराम कर रहे होते हैं, सब कुछ हरियाली भरा होता है। अगले सीन में वह जोई के अंकल के पास जाते हैं। अब जोई के अंकल भी बिल्कुल ठीक हो गए थे और उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई थी। और जब वह लियांचू को देखते हैं तो बहुत तेज हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि यह ड्रैगन हंटर नहीं हो सकता और उनको विश्वास ही नहीं होता कि उसने ड्रैगन को मारा है। और वह सब किले के बाहर आ जाते हैं। जोई भी कुछ सोने के सिक्के चुरा कर उन्हीं के साथ रहने लगती है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।